PN Racks Nonstop Gaming Pro Nation भाई ये चूकी आपका ऑलमोस्ट 7 दिन से देख देख के मैं पक गया भाई, बेकार है भैया, मैं तो टूट गया भाई। मैं तुमको मेन चैनल पे इतने प्यार से समझाया कि बात को सुलटा लो आराम से, कोई मैटर ही नहीं है यार, बच्चों जैसे लड़े जाने हैं पकड़ के, मतलब कोई टॉपिक नहीं है इसके पीछे लड़ने का भाई, फिर भी ये लोग लड़े जा रहे हैं, एक टॉपिक को मिल किए जा रहे हैं। एक टॉपिक से कितनी वीडियो बना लोगे बे, 10 वीडियो छाप लोगे क्या भाई, समझ नहीं आ रहा मेरे को। कितना अच्छा सॉल्यूशन दिया देखो, आपस में मत लड़ो, थोड़ा मैच्योर वाला जो बोलते हैं ना, मैच्योर वाला मैंने एक डिसीजन बताया था, मैच्योर बनो और थोड़ा दिमाग लगाओ। तो नहीं, इनको तो पिकाचू जैसे लड़ना है पकड़ के, इसको ये करना है वो करना है, शर्म करो शर्म। अब एक चीज मैं तुमको बताना चाहता हूँ, जैसे कि पीएन हर्ष का कहना है कि पीएन प्लेटफॉर्म देता है, ये करता वो करता है, तो ऐसी एक गिल्ड नहीं है, ऐसी बहुत सारी गिल्ड हैं जो ये चीज़ें करती है। और शुरुआत तो बॉस ने ही करी थी हर चीज का, गिल्ड का नाम ही स्टार्ट हुआ था बॉस से। अभी मैं कोई क्रेडिट नहीं ले रहा, लेकिन एक फैक्ट तुमको बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ, बॉस गिल्ड के अंदर बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स आए हैं, बहुत सारे जो कि अभी के टाइम पे यूट्यूबर हैं, 3 मिलियन 4 मिलियन आए उनके सब्सक्राइबर, ठीक है। उन सबको स्टार्टिंग में जो ग्रोथ होता है सबसे पहला, वो मैं नहीं किया, उनको जीरो से स्टार्ट मैंने ही करवाया। बहुत सारे ऐसे हैं, एक नहीं बहुत नाम गिना दूंगा मैं तुमको, बट वही है कि अपन को क्रेडिट नहीं चाहिए किसी चीज़ में। तो अभी मैं जाके उनको बोलूँ कि उनमें से बहुत सारे प्लेयर्स ने अभी के टाइम पर बॉस लीव कर दिया, तो अगर मैं अभी उनको जाके ये बोलूँ कि भाई तू कैसे गिल्ड लीव कर सकता है, मेरे गिल्ड ने बॉस ने तेरे को प्लेटफॉर्म दिया, मैंने तेरे को प्रमोशन किया, मैंने तेरे को स्टार्टिंग में सपोर्ट किया, मतलब मैंने तेरे को यूट्यूबर बनाया, तो कैसे लीव कर देगा, ऐसा तो नहीं कर सकते ना भाई हम। क्योंकि देखो हमारा काम है किसी बंदे का हेल्प करना, अब आप उस हेल्प को काउंट तो नहीं करवा सकते ना, फिर वो हेल्प तो हुई नहीं। ये बड़ी अच्छी बात कही है। अब समझो मान लो अगर तुमको इतना ही चीज रखना है, इतने टर्म एंड कंडीशन रखने की, कभी वो गिल्ड नहीं छोड़ सकता है, उसके चैनल के नाम में पीएन लगा रहेगा, ये रहेगा, मेरे डिस्कॉर्ड का प्रमोशन करेगा, मेरा प्रमोशन करेगा, तो भाई मैं एक चीज बताता हूँ, सबसे बेस्ट काम करो, जाओ वकील के पास, कोर्ट में जाओ और मस्त ठप्पा मरवा के ना एक कॉन्ट्रैक्ट बनवा लो, और उससे सब गिल्ड में लेने से पहले उस पर बाकायदा तुम हर एक प्लेयर का सिग्नेचर, पैन कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, सब कुछ हर एक चीज लिंक्ड करवा दो, ताकि पहले से प्रूफ रहे और कोई बंदा गिल्ड तुम्हारा छोड़ के जाए ही नहीं। अब मैं ये अपनी ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको कोई भी ऑफिसर की आ रहा, रैक्स सैयद आयन भाई एनीवन, किसी को भी वीडियो रिकॉर्ड करना है तो आप एक बार मेरे से पूछ लेना, फ्री रिकॉर्ड करना, ठीक है। देखो रूल्स नंबर 1999, और भाई अगर तुमने रूल्स फॉलो नहीं किया, अगर उसको नहीं बोला तो वो वीडियो जब डालूंगा उसके 1 मिनट बाद वीडियो डिले, ठीक है ना। ये तो कुछ मैच ना हुआ, ये तो कंपनी वाले टर्म एंड कंडीशन हो गए कि तुमको ये करना वो करना है। देखो नॉनस्टॉप गेमिंग की भी गिल्ड है एक तरीके से, ठीक है, और नॉनस्टॉप गेमिंग का कैसा गिल्ड है अभी के टाइम पे तुमको पता ही है, वो सीएस वगैरह, मतलब समझ लो बहुत ऑडियंस है उसके पास गेम प्ले वाली, वो बंदा भी बहुतों को प्रमोट किया है, कहाँ किसी के नाम में एनजी लगा हुआ है किसी चैनल के, टगारू गेमिंग, स्मूथ 444, ऐसे ऐसे नाम है चैनल के, कहाँ मेरे को तो एनजी नहीं दिखता ना, ये दिखता है कि वो लोग डिस्कॉर्ड प्रमोशन कर रहे हैं नॉनस्टॉप का, लेकिन फिर भी ये बंदा उनका वो करता है ना, सपोर्ट तो करता ही है ना। तो वही चीज़ है यार, अगर तुम अच्छा कर रहे हो, अगर गेम प्ले के थ्रू, गिल्ड के थ्रू तुमको नाम बनाना है अपने गिल्ड का, तो भाई तुमको ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी बिना किसी मुँह माया के, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं गलती देखो रैक्स ने भी करी है, रैक्स ने क्या गलती करी है भाई, उसने गिल्ड लीव किया ना, उसको बस गिल्ड लीव कर देना तो उतना काफ़ी था, उसके बाद वो वीडियो बना के हेट दे रहा है बे, मतलब कि हाँ ये सीन हुआ वो सीन हुआ, अरे ठीक है भाई गिल्ड लीव किया कर दिया बात खत्म, उसके बाद वही चीज़ें खत्म हो जाती, बट सीन कहीं ना कहीं रैक्स ने स्टार्ट किया जिसको अभी तक सब लोग पकड़ के मिल कर रहे हैं। भाई कोई लॉजिक ही नहीं है भाई इस चीज़ के पीछे लड़ने का, मैं बताता हूँ मस्त, तुम लोग एक काम कर, तुमको इतना ही लड़ने का शौक है ना कि कंक्लूजन क्या निकलेगा कौन जीतेगा, एक कस्टम बनाओ, क्योंकि ऐसे भी रैक्स को उसने क्या स्क्रिप्टेड नूब और पता नहीं बहुत बहुत कुछ, मतलब एक तरीके से उसके करियर पे। और एक और बात है गाइस, आप लोग सोचते हो इसकी जो भी वीडियो रहती है कि आई मीट एंग्री यूट्यूबर ये वो, जितना यूट्यूबर गाइस एक चीज तो है, आप लोग गेम प्ले बहुत करते हो ना कि भाई क्या वीडियो क्या मारा भाई, मार मार के घोड़ी बनाती ये कर दी वो कर दी, भाई सब्सक्रिप्टेड रहता है, तुमको क्या लगता है बहुत खतरनाक प्लेयर है ये, सब्सक्रिप्टेड रहता है। सही बता रहा हूं, एक 1v1 कस्टम बनाओ मस्त, समझ रहे हो, मस्त 1v1 मैं ही बना देता हूँ कस्टम, चलो मेरे पैसे से कस्टम बनाता हूँ मैं, कोई बात नहीं 100 डायमंड गए बर्बाद में, एक कस्टम बनाते हैं, ठीक है 1v1 करो दोनों, जो जीता वो प्रो प्लेयर और वो जीत जाएगा कंट्रोवर्सी, बताओ ऐसे एंड करना है तुम लोगों को, कर लो अच्छे खासे व्यूज भी आ जाएंगे उस वीडियो के ऊपर, तो ऐसा तुम कर सकते हो, ठीक है। और अगर कंट्रोवर्सी करने का इतना ही ज़्यादा शौक है तो कुछ अच्छा टॉपिक लाओ यार, मतलब जिसमें ऑडियंस को भी मजा आए, हमें भी मजा आए, हमारा भी योगदान रहे, लेकिन तुम ऐसी चीज़ों के पीछे लड़ाई करते हो जिसका कोई लॉजिक नहीं है। अब देखो अपने मेन चैनल पर मैंने बहुत आराम से एकदम नॉर्मली छोटी सी बात कवर करी,
नहीं थी, बोलने को आता मैं बहुत कुछ बोल जाता, और हर किसी का राज मेरे को पता ही है, तुमको भी मालूम है मेरे को भी मालूम है। तो फिर मेरे को उन चीज़ों पे मजबूर मत करो, क्योंकि इतिहास के पन्ने दोहराने पे मजबूर मत करो यार मेरे को, मैंने बहुत कुछ कर रखा है और तुम लोगों के साथ ही कर रखा है, बहुत अच्छे से जानते हो तुम। नहीं चाहता हूँ रोना वोना पड़ जाए, तो संभल के रहो यार तुम लोग, ठीक है? मतलब बेफालतू में मेरा दिमाग घुमाओगे, मैं तुमको घुमा दूंगा, ठीक है? एकदम से जज्बात, जिंदगी सब बदल जाएगी तुम्हारी। तो अपनी जिंदगी में जहाँ हो, जिसके साथ हो, खुश रहो, नहीं तो अगर हम आ गए ना तो बहुत दुखी पड़ जाओगे तुम, समझ रहे हो? ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले। जो बोल रहे हो आई सपोर्ट पी एन रैक्स, आई सपोर्ट पी एन हर्ष, भाई थोड़ी मोरी गलती सभी की है, ठीक है? इतना तुम समझ लो, कोई भी मतलब ऐसा नहीं है कि 100% सही है, तो इनको आपस में लड़ने दो, ये नहीं समझने वाले हैं, तो तुम तो कम से कम समझ जाओ मत भाई, इन चीजों के पीछे भागो, ठीक है? जो हो रहा है होने दो, बस मजे लो, यही बोलो।